मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की नैया पार लगाने वाली लाडली बहना योजना को लेकर प्रदेश में प्रतिदिन सियासत हो रही है। योजना को लेकर नए सीएम डॉक्टर मोहन यादव कुछ बोलने से बच रहे हैं, तो वहीं एक दिन पहले सागर प्रशासन का एक पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पत्र में लाडली बहना योजना में अपात्र महिलाओं से योजना की लाभ छोड़ने की बात कही गई है। प्रशासन के आदेश के बाद सागर की 511 लाडली बहनों ने योजना का लाभ छोड़ दिया है। हालांकि प्रशासन ने बाद में इस आदेश को रद्द कर दिया। सागर के परियोजना अधिकारी द्वारा 4 दिसंबर को ये आदेश जारी किया गया था। इस आदेश में पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और स्व सहायता समूह के अध्यक्ष, सचिव और सदस्यों को चेतावनी दी गई कि अगर शासन की शर्तों के विपरीत लाभ ले रहे हैं तो 15 दिनों में इसे छोड़ दें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश की कॉपी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई, तो कांग्रेस ने भी इस पर कटाक्ष किया। मामले को बढ़ता देख शुक्रवार को सागर कलेक्टर के एक्स हैंडल पर इस आदेश को निरस्त करने की जानकारी दी गई। जिला कार्यक्रम अधिकारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। बता दें कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा मार्च महीने में लाडली बहना योजना की घोषणा की गई थी। इस घोषणा के तहत पूर्व सीएम चौहान ने लाडली बहनों के प्रति महीने 1,000 रुपए देने की बात कही थी। हालांकि बाद में 3,000 रुपए तक योजना को पहुंचाया गया। योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई तो जून महीने से लाडली बहनों को 1,000 रुपए खाते में आने लगे। 2 महीने बाद महिलाओं को खाते में 1,250 रुपए आने की शुरुआत हुई। इस योजना का असर यह हुआ कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली। बीजेपी जहां 163 सीटों तक पहुंची, तो वहीं कांग्रेस महज 66 सीटों पर ही सिमट गई। राजनीतिक जानकार बीजेपी की इस जीत के पीछे लाडली बहना योजना का अहम योगदान मान रहे हैं।